हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। नए दिन की शुरुआत, आज है 15 अगस्त, ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज जा रहे हैं अभी झंडा फहराने के लिए, तैयार वैयार हो गए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए झंडा फहराने चलते हैं। अभी 15 अगस्त का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कितना बोले? 3 किलो, 1 किलो, 1 किलो कौन सी? 3 किलो सेवई, 4 किलो पुनिया, 1 किलो सेवई। हाँ ना, ऐसे वीडियो बना रहे हैं, सीख रहे हैं वीडियो बना। पहले झंडा फहरा जाता थे अब। झंडा का तैयारी हो गया हम लोग का। अरे इटी तो इटी है तो फरा हो गए, इटी के ऊपर गए। एक बाज लग गई तो ऊपर है की अलग धंधा धरी खाली रख नहीं थी, उधर सटा दी वहां पास। ढील रहा दे, छोड़ दे। चल जल्दी आ, तो ही पेचवा गेल ले। हाँ तो आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर लोगों से मिलने जुलने के कार्यक्रम में आज हमारे ब्लॉग में जो इसो मिलने के क्रम में राजद के वरिष्ठ नेता और छात्र आंदोलन के
अग्रणीय रहे जेपी छात्र आंदोलन के नेता धनंजय महतो जी से आज रंगमटिया चौक पर मुलाकात हो गई है। यहाँ अभी थोड़ी देर बाद चंदकू महतो जी के स्मारक स्थल पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम है, यहाँ पधारे हैं। चलिए, झंडोत्तोलन की तैयारी चल रही है। इस बीच आदरणीय धनंजय महतो जी से जानते हैं, इस 15 अगस्त के महत्व के बारे में बात करते हैं। धनंजय महतो जी, अपना परिचय देते हुए 15 अगस्त पर अपनी बात रखें। आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस का दिन है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे रंगमटिया के संजीव महतो ने जो ये कार्यक्रम कर रहा है यहाँ पर चंदकू महतो के शहीद स्तंभ पर, ये बहुत बड़ी जागने का काम कर रहा है, गांव के लोगों को जगाने का काम कर रहा है। और हमारे जितने ही भी लोग हैं, हमारे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज ये आत्ममंथन का दिन है। राष्ट्रीयता की दृष्टि से हम सभी लोग भारतीय हैं, चाहे मेरा निजी धर्म कुछ भी हो। आज सारे समुदाय के प्रति हम निष्ठा से प्रतिबद्ध। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज महज एक कपड़ा का टुकड़ा नहीं होता, वरन उस मूल के संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र बिंदु हुआ करता है। इस झंडे के खातिर बहुत से देशवासियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसलिए इस झंडे का पूर्ण सम्मान करना हम सभी देशवासियों का परम कर्तव्य है। आज़ादी की लड़ाई में वीर शहीदों की कुर्बानी को गिना नहीं जा सकता। सिपाही विद्रोह से लेकर जितने भी आंदोलन चलाए गए, अंग्रेज के खिलाफ, वो हमारे लिए स्मरणीय है। आज लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिला और फिरंगी सरकार को हम यहाँ से अपने देश से भगा दिए। आज उसी का दिन है, 15 अगस्त मना रहे हैं। धीरे धीरे हमारे घर ट्रेनिंग ले पहले तो नहीं अपन यहाँ लिखवा ना ले ले 2022 लिखवा ना दो हजार 22 का लिखवा 26 जनवरी मना अच्छी मना नहीं नया 15 पहले छोड़ी दिल दे अरे मोहन कर लगल फिर लागे कि अगली बोल बना नहीं होले यार होले हमर तो एगो चैनल दे हम 1000 अथी हमर हइयो गेलो खतम पूरा आइ गेलो चैनल देखे के अ बीच अथी कर देले उल्टा पुल्टा से गाली दे कॉपीराइट मार देलो के ए लड़का सब ही पारा आज जा लड़का पतंग लागे रे लड़का बीच को ले लियो बीच को ले आगे रख रे चल चल तरह में कुछ यार रख लग तो की कुछ नाम तो जानना कि अभी झंडा फहराने का तैयारी चल रहा है। कोनाई रख नहीं कर
की तो पिछवाए गेला की बात फाइन लगे तो तोरा सब वहीं से मिली जाएगा। आज हमारे साथ आयसू के महासचिव संजीव मातो जी हैं, इनसे आप 15 अगस्त के बारे में कुछ हम लोग जानना चाहेंगे। तो संजीव आप बताइए कि आज 15 अगस्त के बारे में कुछ आप हम लोग को बताइए। आज आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है और यह 76वां स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। तो आज हमारा देश इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इस 75वें वर्षगांठ को मना रहा है और पूरा देश इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। हर घर तिरंगा अभियान भी चला है। ये बहुत ही यानी आज़ादी के जश्न का हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आयोजन है, बृहद आयोजन है। ऐसा पूरी दुनिया में उसका राष्ट्र ध्वज एक साथ करोड़ों लोगों के बीच अगर फहर रहा है कहीं, तो ये भारत जैसे देश में ही संभव है। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ आज जो हम लोग झंडोत्तोलन अभी किए, ये आज़ादी के लड़ाई के ये लोग शुरुआती दौर के नेता रहे हैं। चनकू महतो जी जो हुल विद्रोह के अगुवा के रूप में थे, सिद्धू कानू चांद भैरव, भागीरथ मांझी, बैजल सोरेन, राजवीर सिंह, ये लोग एक यानी कि ये लोग आज़ादी के शुरुआती योद्धा हैं देश में आज़ादी के लड़ाई के। तो आज हम लोग उन्हीं में से एक चनकू महतो जी के स्मारक स्थल पर झंडोत्तोलन प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी किए हैं और भारत देश के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग इस तरह से आज शिरकत किए। आज हम लोग के लिए ये आज़ादी पर निश्चित रूप से आम जन से लेकर के सारे जो देशवासी हैं उनको संकल्पित होना चाहिए। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पारिवारिक और जिम्मेदारी को निभाते हुए जो भी बन पाए देश के उन्नति के लिए अपना योगदान देने का संकल्प के साथ हम लोग
इस जश्न को मनाते आ रहे हैं और मनाना चाहिए। अपना बच्चे को रखने के लिए आपको धन्यवाद। सब सेवाई तो नहीं मिलाई दे ले मिलाई दे की कर भी छोड़ पे बोले सेम है जाती है उठाए नहीं यार थोड़ा टी कुछ उठाई उठाई देते भाई आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।